हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं इस समय हूं जौनपुर की फेमस पॉलिटेक्निक कॉलेज, राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज जौनपुर। ये पॉलिटेक्निक कॉलेज जगदीशपुर में पड़ता है। मैं आज आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छे से दिखाऊँगा कि पॉलिटेक्निक कॉलेज के अंदर कैसा नज़ारा है और इसमें क्या क्या मतलब किस चीज़ की क्लासें चलती हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। गाइज, ये रोड जो है, ये रोड जाके 100 मीटर आगे मिल जाती है बनारस वाली रोड में, क्योंकि यहाँ से ही आपको बनारस वाली रोड बहुत ही आसानी से मिल जाती है। और फिर देखिए, इधर आपका पॉलिटेक्निक कॉलेज का मेन गेट, इसी गेट से आप लोग अंदर जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का बहुत ही अच्छा सा दृश्य। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, इस समय पतझड़ का मौसम है, तभी तो सभी पत्तियां देखिए नीचे बिछी हुई हैं। इधर देखिए, लिखा है राजकीय पॉलिटेक्निक जौनपुर, और देखिए नीचे लिखा है CDTP योजना, मतलब इसके अंतर्गत कुछ फ्री की क्लासेस यहां पर चलती हैं। जैसा कि सरकारी कॉलेज सब चीज़ फ्री रहती है, लेकिन इसके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं निकालना पड़ता है। तो चलिए, मैं चलता हूँ इसके अंदर और आप लोग को यहाँ पर दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। जैसा कि आप इधर देख सकते हैं, ये पॉलिटेक्निक कॉलेज का प्लेग्राउंड है। यहाँ पर देखिए, कुछ लोग खेल रहे हैं। अभी मैं आपको पास से बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाऊंगा। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं और भी अंदर और दिखाते हैं आपको यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं और कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है इस समय। इस समय तो दोस्तों शाम का टाइम है, कॉलेज बंद हो चुका है। यहाँ पर देखिए, एक टावर भी लगाया गया है, एयरल जियो का है, वाईफाई के लिए लगाया गया है यहाँ पर। ऐसी जिंदगी हम छिप छिपाए, हम नए हम नए, ऐसी जी छिप छिपाए, ऐसी जी हम न पाए। ऐसी जिंदगी हम छिप छिपाए, हम नए आए हम नए, ऐसी जी छुपाए। अब हम पॉलिटेक्निक कॉलेज के अंदर आ चुके हैं और ये देखिए पॉलिटेक्निक कॉलेज की सभी बिल्डिंगें। अब देखिए यहाँ का नज़ारा, देखिए कितने ही अच्छे अच्छे यहाँ पर छोटे छोटे पेड़ लगाए गए हैं। इसके ये जो बगल में बाउंड्री है, इसके अंदर छोटे छोटे मतलब फूल के पेड़ भी लगाए गए हैं। यहाँ पर सुंदरीकरण बहुत ही ज़्यादा किया जा रहा है, अभी कुछ कार्य इसमें बाकी हैं। ये जो बिल्डिंग है, इसमें क्लासेस चलती हैं। तो दोस्तों, जौनपुर के इस पॉलिटेक्निक कॉलेज में 3 डिप्लोमा कोर्सेस हैं। पहला है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कोर्स, दूसरा है कंप्यूटर साइंस कोर्स, तीसरा है फार्मेसी में बी फार्मा का कोर्स यहां पर पढ़ाया जाता है। तो देखिए, यही सब है यहां पर, इस बिल्डिंग में पढ़ाई होती है। और यहाँ पर इसके अंदर छोटे छोटे रूम में कार्यालय भी बनाया गया है। देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको अंदर का नज़ारा दिखाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लें। अब देखिए, मैं पॉलिटेक्निक के कॉलेज के मेन गेट के सामने आ चुका हूँ। ये देखिए, पेड़ बहुत ही पुराना पेड़ है, अभी तक ये ऐसे ही बना हुआ है। बहुत ही गजब का पेड़ है, ये पेड़ तो 100 का पेड़ है। कभी सभी पॉलिटेक्निक कॉलेज या कोई घर हो बढ़ाने के लिए सामने लगाया जाता है, जिससे घर का दृश्य अच्छा लगे। देखिए, यहाँ पर लिखा गया है राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज जौनपुर। चलिए, तो अब मैं इसके अंदर चलता हूँ। वैसे तो पॉलिटेक्निक कॉलेज की सभी क्लासेस इसमें बंद चल रही हैं, लेकिन मैं आपको पास से दिखाता हूँ अंदर का नज़ारा। तो देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं, तो चलिए दिखाता हूँ आपको इसके अंदर की सभी क्लासेस चलती हैं। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके, ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी,
ऐसी जीत चाहे जिंदगी है। दोस्तों देखिए, ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, इस बिल्डिंग में कंप्यूटर साइंस की क्लासेस चलती हैं। जैसा कि वहाँ पर देखिए लिखा गया है, इसका एक गेट बना हुआ है, ये छोटा सा गेट बनाया है, मतलब इस रास्ते से इसमें जाना होता है। आइए दोस्तों, मैं और आगे भी इस पॉलिटेक्निक कॉलेज के क्या क्या अंदर हैं दिखाता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आप वीडियो के साथ बने रहिए, बहुत ही अच्छी से मैं पूरे पॉलिटेक्निक कॉलेज को दिखा रहा हूँ। रबा है अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी, ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी है। दोस्तों ये जो छोटे छोटे घर देख रहे हैं, ये सब घर बने हुए यहाँ के टीचर और प्रिंसिपल के। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ इस समय तो पतझड़ का मौसम है, इस वजह से यहाँ पर देखिए पूरे पेड़ से सभी पत्तियाँ नीचे गिरे हुए हैं, और इस समय टीचर लोग है भी नहीं, सब अभी अपने घर गए हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं ये आवास है, ये देखिए यहाँ पर लिखा गया है प्रधानाचार्य आवास, इसमें मतलब जो प्रिंसिपल हैं इसी रूम में रहते हैं। ऐसे छोटे छोटे रूम सभी के लिए बने हुए हैं, जो टीचर हैं उनके लिए और जो इसमें कर्मचारी हैं सभी को यहाँ पर एक आवास छोटा सा दिया गया है। ऐसे जी हम न पाए ऐसी जिंदगी, हम छिप छिपाए हम न आए, आए आए हम न आए, ऐसी जी छिप छिपाए ऐसी जी हम न पाए। ये सब जो आप लोग देख रहे हैं मैदान, ये सब मैदान खाली हैं, और ये जो सामने की बिल्डिंग मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, इसमें रहती हैं गर्ल्स लोग। और इधर देखिए सभी छोटे छोटे पेड़ लगे हुए हैं, और कुछ पेड़ बड़े थे जो कट चुके हैं, इसमें गिर चुके हैं। इधर मतलब पूरा खाली रहता है, और इधर जो है बहुत कम लोग आते हैं, इधर से कोई पॉलिटेक्निक वालों का लेना देना नहीं रहता, बस मतलब किसी को आना जाना रहता है, देखभाल के लिए कभी कभार आते हैं। इधर का हिस्सा भी छूटा है, इसमें अभी तो कोई कॉलेज या आवास कोई नहीं बना हुआ, मतलब जितना बना है उतने में ही पर्याप्त है, इस वजह से इस हिस्से को छोड़ा गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हुए मैं आप लोग को दिखाता हूँ, ये देखिए जो बिल्डिंग है इसमें सभी क्लासेस चलती हैं। दोस्तों ये जो बिल्डिंग दे रहे हैं, ये देखिए इस पर लिखा गया है इलेक्ट्रॉनिक्स भवन, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल जो इंजीनियरिंग क्लासेस हैं इसी में चलती हैं। और दोस्तों जैसा कि ये पॉलिटेक्निक कॉलेज जौनपुर का है, आप लोग को तो मालूम है, अगर आपको किसी भी प्रकार की जौनपुर पॉलिटेक्निक कॉलेज बारे में जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट में बताएंगे, तो मैं आपको बहुत ही अच्छे से जानकारी दे दूँगा। जैसे कि अगर आप राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज जौनपुर में एडमिशन करा रहे हैं और आपको किसी भी रूम की ज़रूरत है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, मैं आपको अच्छे से रूम दिला सकता हूँ। ये है पॉलिटेक्निक कॉलेज छात्रों का आवास, इसमें सभी छात्र रहते हैं, ये नया आवास बना है छात्रावास, और इसके बगल में ये जो देख रहे हैं ये बहुत ही पुराना छात्रावास, जिसमें इसमें ना के बराबर लोग रहते हैं, इसमें सिर्फ खाना वाना बनता है, बाकी जैसे मेस रहता है। लेकिन अगर आप लोग बाहर रहना चाहते हैं और आप लोग को रूम की ज़रूरत है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों बहुत दिनों से सफाई नहीं हुई, इस वजह से देखिए यहाँ पर सभी कूस, इसे कूस बोलते हैं, इस घास को जो है कूस बोलते हैं, एक कूस बहुत ही ज़्यादा मात्रा में उगी हुई है। अभी यहाँ पर जब पॉलिटेक्निक का हर वर्ष खेल स्टार्ट होता है, जिसमें पॉलिटेक्निक के सभी बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं और अलग मतलब दूसरी डिस्ट्रिक्ट के पॉलिटेक्निक कॉलेज के भी बच्चे आते हैं, तो दोनों मतलब भाग लेते हैं खेल में, तो जो जिस पॉलिटेक्निक कॉलेज के बच्चे यहां पर खेल में विजेता होते हैं तो उनको ट्रॉफी दिया जाता है। तो जैसा कि देखिए हमारे पीछे एक लोग बॉल फेंक रहे हैं, यहाँ पर आपको सभी लोग बहुत ही ढेर सारे खेल खेलते हुए नज़र आएंगे। जैसा कि आप हमारे पीछे देखिए, वहाँ पर कुछ लोग वॉलीबॉल खेल रहे हैं। अभी तो इसमें बहुत कम लोग आप लोग को नज़र आ रहे होंगे, लेकिन पहले इसमें बीच में क्या हुआ था कि इसको बंद कर दिया गया था, यहाँ पर बाहरी लोग का आना जाना मना था,
लेकिन अब क्या है, सभी लोग खेल सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पीछे हमारे गांव के बच्चे खेल रहे हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप तुरंत ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और दोस्तों आपने तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही किया होगा, किया है कि नहीं, लेकिन यार जरूर कर देना, क्योंकि अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो बताइए मैं कैसे मोटिवेट होऊंगा और कैसे मतलब आगे वीडियो बना पाऊंगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे प्यारे हाथों से एक छोटा सा कमेंट जरूर करिए। मैं जब वीडियो बनाता हूँ तो उसमें देखिए कोई कमेंट नहीं करता, इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग एक छोटा सा कमेंट ज़रूर करिए, क्योंकि अगर आप लोग कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा वीडियो सही बन रहा है या नहीं बन रहा है। कोई भी मतलब आपके मन का कोई भी एक कमेंट हो वीडियो देखने के बाद आप तुरंत इसमें कर दीजिए। तो दोस्तों आप ही लोग की वजह से तो मैं यहाँ पर वीडियो बना पाऊँगा।